खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई मशीर इत्तला'आत व हायर एजुकेशन कामरान बंगश से मिलने पेशावर में उनके सरकारी घर पहुंचे। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। में पहली बार यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए, 2018 में एमपीए और फिर साथ ही सूबाई वजीर बन गए। क्या अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं? मैं बिल्कुल खुशकिस्मत हूं, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है और शायद नहीं बल्कि यकीनन मेरी वालदा की दुआएं और मेरे जो यूनियन काउंसिल के जो गरीब लोग हैं, जो कच्ची आबादी के रहने वाले, उनकी दुआएं और सपोर्ट शायद इसमें बहुत बड़ा उनका अमल दखल है। अल्लाह ताला ने जो इतने कम उम्र में इतनी कामयाबी दी है, तो उसमें ये दो फैक्टर्स मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हैं। हंगू में पैदा हुए, बीएससी कंप्यूटर साइंस में की, ख़ानदान में से कोई सियासत में नहीं था, फिर कहाँ कंप्यूटर साइंस और कहाँ सियासत, कैसे आ गए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एडवर्ड्स कॉलेज में पढ़ता था और उस ज़माने में लॉयर्स मूवमेंट स्टार्ट हुई खान साहब का, उन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया यूथ को। हमारे भी क्लास में हम कुछ लड़के थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हुए, तो हम लॉयर्स मूवमेंट में बड़ा एक्टिवली आए सामने। फिर खान साहब के साथ इस्लामी जमीयत तलबा के कुछ लड़कों की बदमजगी हुई पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद इधर की यूथ बहुत ज़्यादा उठी। फिर हमने ISF बनाने में बहुत अहम रोल प्ले किया। और कंप्यूटर साइंस का तो मैं खुद सोचता था कि कंप्यूटर साइंस का क्या वो हो सकता है, लेकिन जब मुझे मिनिस्ट्री मिली तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इसको साइंस और IT की मिनिस्ट्री देते हैं, तो वो जो मेरी एजुकेशन थी वो बहुत काम आई उस मैं कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन है और साइंस और IT की मिनिस्ट्री मिल गई। फिर उसी ज़माने में जब हम स्टडीज़ भी कर रहे थे तो हमारी insaf.pk की वेबसाइट को पूरा रिवैम्प करना था, सोशल मीडिया टीम बननी थी हमारी। आपको पता है तहरीक इंसाफ की तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस रही है, अभी भी है। आप तो PTI खैबर पख्तूनख्वा सोशल मीडिया के हेड भी रहे। जी, सोशल मीडिया का मैं हेड रहा insaf.pk के बनाने में, और उस ज़माने में insaf.pk को एशिया का बेहतरीन इंटरेक्टिव वेबसाइट का अवार्ड भी मिला। तो उसमें फिर हमने वो जो IT की हमारी थोड़ी बहुत स्किल्स थी वो उसमें बहुत काम आई हमारी जिंदगी में। एक फैसला कुन मरहला ऐसा भी आया, एक तरफ ग्रेड 17 का अपॉइंटमेंट लेटर घर पर पड़ा था और दूसरी तरफ PTI का टिकट भी इंतज़ार में था, तो आपने तरीके इंसाफ के टिकट को चुना, ये क्या वाक़या है? असल में जब मैं टाउन मेंबर था तो उस वक्त से मुझे लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम पढ़ने का बहुत शौक़ हुआ, रीडिंग का, तो हमने काफ़ी बुक्स पढ़ी। फिर TMO के एग्ज़ाम्स आए, पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनमें यानी 40,000 में से 40 लोगों ने क्वालिफाई किया। बहुत बड़ी एक न्यूज़ थी, बहुत मेरे फैमिली के लिए बहुत एक खुशखबरी थी। तो उन दिनों में फिर ये टिकट्स का हुआ, हमारे इधर इंटरव्यूज़ हुए, मेरा तो पॉलिटिकल काफ़ी स्ट्रगल थी, तो फिर मेरे पास चॉइस ये आई, वज़ीर आज़म साहब जो हैं हमारे कायद, उनकी तरफ से ये पैगाम मौसूल हुआ कि आपका क्या इरादा है, आपने इलेक्शन लड़ने हैं या पब्लिक सर्विस ज्वाइन करनी है। खटक साहब ने भी यही मुझे ऑफर की, लेकिन लीडरशिप का ये ख्याल था कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। मेरा तो वैसे भी ऐसा सच नहीं था, लेकिन फैमिली की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस थी कि एक पूरा एक करियर है, करियर सिक्योरिटी है, इतनी बड़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप आगे आए हो, तो ये एक बड़ा मुश्किल फैसला था। लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब ने, चेयरमैन साहब ने खुद कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो फिर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आपकी शख्सियत बड़ी ठहरी हुई और धीमी है, जबकि PTI का सोशल मीडिया सेल बहुत जारहाना था, इन दोनों का मिलाप कैसे था, इनमें तजाद नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली पार्टी है जिसने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। हमारी बहुत ज़्यादा जो फॉलोइंग है खान साहब की वो यूथ है, तो यूथ के साथ एग्रेशन जो है वो एक नेचुरल लिंक बनता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी रिपोर्ट्स आई कि ट्रोलिंग होती थी, लोगों को गालियाँ पड़ती थी, और उनको फिर लिंक किया जाता था कि ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अक्सर फेक IDs भी बनी होती थी दूसरी मीडिया सेल्स ने, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया सेल ने, तो उसके लिए हम एक कोड ऑफ कंडक्ट भी लेकर आए और हमने इस चीज़ को हर फोरम पर
बहुत यानी दबे अल्फाज में नहीं बल्कि ओपनली हमने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि हर बंदे को अपनी राय देना, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना, और हमें भी ये राइट हासिल है कि हम मंतक के साथ उसका जवाब दें। आपको सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर बनाया गया, फिर वजारत बल्दियात दे दी गई, और फिर बाद अज़ां वजारत इत्तला'आत और साथ ही हायर एजुकेशन दे दी गई। इतना थोड़ा थोड़ा अरसा काम करने से आप अपनी परफॉर्मेंस तो नहीं दिखा सके होंगे, क्या वाकई ऐसा है? एक्चुअली मेरे जो वोटर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं उनकी भी ये राय है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक तो मुझे हर डिपार्टमेंट के इन्स और आउट्स का पता चल गया। मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री तकरीबन 16 महीने मेरे साथ रही, और उसमें वो छोटा डिपार्टमेंट है, लेकिन उसमें मुझे लर्निंग का बहुत बहुत बड़ा मौका मिला, क्योंकि इतने लेवल पे कभी सर्व नहीं किया था। तो ये मैं समझता हूँ कि एक तो डाइवर्स एक्सपीरियंस मेरा माशाल्लाह बहुत आ गया है, कि हर किस्म की जो एचआर है या ऑपरेशनल साइड है उसको मैं देख रहा हूँ। डबल एज्ड है, आप ठीक कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा तो परफॉर्मेंस नहीं शो हो सकती इतने कम टाइम में, लेकिन एक एडवांटेज मुझे ये है कि सब डिपार्टमेंट्स का मुझे अंदाज़ा लग गया है कि इसमें कैसे काम हो रहा है, कहाँ पे लेक्यूनाज हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हम ले चुके हैं, कौन से लेने चाहिए, तो ये एक फ़ायदा है मुझे। बहुत छोटी उम्र में वज़ीर बन गए, अब मीटिंग्स के अंदर सेक्रेटरीज सारे मुइम्मर होते हैं, तो आप उनके सामने बैठे हुए एहसास कमतरी या एहसास कमजोरी तो नहीं होता उनके सामने? बतौर एक जूनियर के मुझे मुनासिब नहीं लगती कि कोई बहुत सीनियर शख्स आपको सर कहे, या जैसे यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स हैं वो बड़े काबिल और प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स बहुत बहुत ज्यादा सीनियर लोग होते हैं, तो वो जिस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं तो वो मुझे लगता है कि अक्सर मैं उनको मना भी करता हूं कि आप बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, मैं उनको अक्सर सर कहता हूं जो वाइस चांसलर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, तो वो इस पे अक्सर जो है वो मुझे बुरा भी मनाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें आपको सर कहना चाहिए, ये आपके उसके खिलाफ है, प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन एहसास कमतरी तो नहीं, लेकिन एक चीज़ ये है कि कभी एहसास बरतरी में मैं मुब्तला नहीं हुआ, कोई कभी उसका शिकार मैं नहीं हुआ। हुकूमत की तर्जमानी बहुत बड़ा मुश्किल काम है, ज़ाहिर है जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तर्जमानी करते हैं तो कुछ ना कुछ झूठ का भी सहारा लेना पड़ता होगा, क्या वाकई ऐसा है? असल में एक तो मेरी ये कमिटमेंट है कि कभी झूठ ना बोलूँ, अगर किसी जगह पर मुझे लगे कि मेरे सच कहने से नुकसान हो सकता है तो उधर मैं ये समझता हूँ कि वो सच ही ना कहा जाए, उधर खामोश रहा जाए। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मुश्किल वक्त सामने आते हैं जब आप जैसे सीनियर्स को कन्फ्रंट करते हैं मीडिया में, तो कभी कभी इस तरह की सिचुएशन इमर्ज होती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि कभी झूठ ना बोलें। जहाँ तक इंफॉर्मेशन है, जिस चीज़ की मुझे मालूमात है वो मैं शेयर कर लेता हूँ, और जिसकी नहीं है मैं कुलम खुला ये कह देता हूँ। ये शायद अक्सर एंकर्स भी मुझे ये कहते हैं कि आप ऐसे ना कहा करें, लेकिन मेरे पास जिस चीज़ की मालूमात ना हो मैं ओपनली कह देता हूँ कि इसकी मेरे पास मालूमात नहीं है, मैं इस पर आपको झूठ नहीं बोल सकता। आप वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब के बहुत करीब तसव्वुर किए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी लॉबियाँ भी हैं जो उनके मुखालिफ हैं, काबीना में भी इख्तलाफात होते रहते हैं, क्या हुकूमत के डिस्टेबलाइज होने का तो कोई डर नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी लॉबी मौजूद नहीं है। वज़ीर आला साहब एक इंतहाई शफीक बड़े भाई की तरह सबको ट्रीट करते हैं। कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ थी जो अभी मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व हो चुकी हैं। केपी में हमारी 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत है। पॉलिटिकल फ्रंट्स पे मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियाँ समेट रहे हैं, कुछ ऐसे अजला हैं जहाँ पर दूसरी जमातों का मुकम्मल सफाया भी हो गया। जैसे अगर मैं आपको रीसेंट एक एग्जांपल दूं तो बुनेर में जो है वो मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर जम हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो पॉलिटिकल फ्रंट्स पे अगर आप सेनेट की बात करें तो सेनेट में हमने मेजॉरिटी ली, 12 में से 9 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई, जो कि हमारा हक बनता था। तो 2/3 अक्सरियत के साथ मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत डिस्टेबल हो या कुछ हो, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सेटिस्फेक्शन जो है वो इस हुकूमत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, और ऐसी कोई सूरत हाल मुझे तो बिल्कुल दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रही। बेटा अयान मिलने आ गया। Thank you.
पटियाला हाउस खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे। वजीर आला महमूद खान से उनके दफ्तर में मुलाकात की। कामरान, एक तो यंगस्टर है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फेस है, और जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ नौजवानों की पार्टी है, तो मैं समझता हूँ कामरान इसे अक्सर मैं गपशप में इसके साथ लगा रहता है, तो इसे अक्सर मैं कहता रहता यार कामरान इस तरह और मेहनत करो, तुम्हें और आगे जाने का मौका है, तुम यंगस्टर हो, अभी तुम्हारा फ्यूचर है, तो करो यार अब मेहनत करो। तो ये कर रहा है बड़ा मेरे कैबिनेट में, ये मेरे ख्याल में ये इसको अगर मैं ये मेरा लेफ्ट आउट है। अच्छा, अगर आप इसे वो उसके मुताबिक करें तो ये मेरे टीम का लेफ्ट आउट है। गुड, तो बेहतरीन परफॉर्मर है, और इसमें एक और क्वालिटी है, वो क्वालिटी है मैं ज़्यादातर टास्किंग इसको देता हूँ कि यार कमरान चले जाओ, लोगों के साथ बातचीत करो, अगर कोई कई बार कोई धरना शरना हो मैं इसको भिजवाता हूँ, असल में ये ट्रस्ट वोट दिया है कमरान, और एजुकेटेड भी है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये और भी परफॉर्म करेगा। वज़ीर आला ने नाश्ते का एहतमाम कर रखा था। सावेनियर और कालीन पेश किया। नौजवानी में ही आपको सब कुछ मिल गया, तो एस्थेटिक सेंस जो है, जो हिस्से लतीफ है, उसके हवाले से आपकी हॉबीज क्या हैं, अशगाल क्या हैं? सबसे जो फेवरेट मशगला है वो तो यकीनन किताबें पढ़ना है, और फिर उसके बाद हल्की फुल्की मौसीकी, फिर स्पेशली पश्तो वाली मौसीकी, उसके साथ लगाव है, और थोड़ा बहुत खेलते भी हैं, एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी टाइम निकालते हैं। बुक रीडिंग जो है वो मेरी मेंटल ग्रूमिंग के लिए और फिजिकल ग्रूमिंग के लिए, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और मौसीकी जो है वो थोड़ी बहुत उसके लिए भी जरूरी है कि रिफ्रेश रहते हैं। जिंदगी में जहाँ खुशियाँ मिली वहाँ एक गम का भी सामना करना पड़ा, वाइफ जो है उनका इंतकाल हो गया, क्या दूसरी शादी की और पहली शादी का अहवाल क्या था? मेरी जिंदगी के दो बड़े हादसे हैं जिन्होंने बड़ा जहन के ऊपर और दिल के ऊपर एक अफसोसनाक वो छोड़ा है, साइन छोड़ा। एक मेरी दादी की वफात, जब मैं 2013 इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहा था तो 2011 में मेरी दादी वफात पा गई, और दादी ने मेरी अपब्रिंगिंग की थी, उन्होंने मेरी ग्रूमिंग में, मेरी एजुकेशन में, मैं जो आज कुछ हूँ उसमें वालिदैन के अलावा मेरी दादी का बहुत बड़ा रोल है। और फिर उसके बाद जब मैं इलेक्शन लड़ा तो तकरीबन एक साल के अंदर अंदर मेरी वाइफ को कैंसर हुआ, वो चल बसी, तो बच्चों का बोझ था। फिर दूसरी शादी तो मैंने कर ली है, अभी बच्चों के साथ काफ़ी अटैचमेंट हो गई है मेरी दूसरी बीवी की, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नक्श चौड़ा वो जो एक गम का और उसका था मेरा और मेरी फैमिली के ऊपर। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर आए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन ने गुलदस्ता पेश किया। यहाँ पर हमारे एनर्जी रिलेटेड इश्यूज हैं पाकिस्तान के और फिर स्पेशली केपी के, तो उसमें मतलब हमने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सोलराइजेशन पे हैं, बाकी विंड एनर्जी है, और भी जितने भी हम उसके सॉल्यूशंस जो हैं एनर्जी के रिलेटेड, वो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में भी करते हैं, और साथ में हम पोस्ट ग्रेजुएट जो एजुकेशन है स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ पर 4 स्ट्रीम्स में हमने शुरू की हुई है, तो उसमें इन लोगों का इंतहाई ज़्यादा इनपुट था कि उनके इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना, फिर इसको कंप्लीट करना। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्पेशली टू कामरान साहब। यहाँ पे हमारे पास जो सोलर टेस्टिंग की जो लैब है ये एक ही फैसिलिटी है सूबे में फ़िलहाल, और वो भी
ऐसा है कि जितने भी हमारे पास सोलर पैनल्स आते हैं वो बेशक यहाँ पे इंडिजिनसली डेवलप हों या बाहर से आए हों, तो उनकी लाइफ को टेस्ट करना, उनकी कैपेसिटी को टेस्ट करने के वो किस क्वालिटी के हैं, तो यहाँ पर वो सारे टेस्ट किए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में आए, थर्ड जनरेशन सोलर मॉड्यूल्स पर ब्रीफिंग दी गई, सोलर प्रोटोटाइप लैब का दौरा किया, स्टाफ ने सिस्टम पर ब्रीफ किया, यूनिवर्सिटी में ही स्पेशल सोलर टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया गया है। वो फोटो बनवाई, हुसन में क्या पसंद है, खासकर निस्वानी हुसन में, बाल, नाक, लब, क्या चीज, आंखें क्या चीज अट्रैक्ट करती है? निस्वानी हुसन में यकीनन आंखें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। क्या खास चीज होती है उनमें? आंखों से एक मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज जो आपकी किसी इंसान के ऊपर बिलखसूस जो नस्वानी हुसन के आपने बात की है वो पहली नज़र आपकी किसी की आंखों पे पड़ती है तो शायद उससे ज़्यादा जो है वो मैं अट्रैक्ट होता हूँ, नेचुरली है ये। फिर उसके बाद जो है बाल भी जो है वो भी अट्रैक्ट करते हैं, लंबे बाल, लंबे बाल भी, स्ट्रेट बाल भी, दरमियाने बाल भी, काले बाल भी, तो काली जुल्फे भी। सेक्रेटेरिएट में वजारत इत्तलात के दफ्तर पहुंचे, हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का इतला सेल है, इसमें हम सारे चैनल्स को जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स हैं बशमूल CNN के, अल जजीरा के, उनको हम 24/7 मॉनिटर करते हैं। और फिर जो ग्रैबिंग करते हैं हम यहाँ से, अगर कोई पैकेज है, अगर कोई हमारी रिपोर्ट है जो फेवर में या अगेंस्ट है, हम वो ग्रैब करके फिर हमारा एक इतला सेल, हम इसको कहते हैं इतला सेल, का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें शेयर किया जाता है, और उसके अलावा जो कंसर्न मिनिस्ट्री हो या डिपार्टमेंट हो उनके साथ भी हम शेयर करते हैं, ताकि वो एक तो अगर उनके फेवर में है तो वो उसको देख लें, अगर अगेंस्ट है तो फिर उसके ऊपर हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। आप अभी देख लें हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसको ग्रैब करके, उनके अहम पॉइंट्स को ग्रैब करके हम फिर शेयर करते हैं, ताकि हमारे लिए एक कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम रहे कि मीडिया में क्या चल रहा है। इत्तलात सेल का दौरा किया, आपके ख्याल में वजीर को जितनी तनख्वाह मिलती है क्या इससे उसका गुजारा हो जाता है? मेरे ऊपर घर की ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, वो मेरे वालिद साहब और मेरे भाई अफोर्ड करते हैं, लेकिन मैं जब पॉलिटिकली उसको देखता हूँ तो हमारे माशाल्लाह हुजरों में हमारी जो मोबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है, लोगों के साथ इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा होती है, तो मेरे ख्याल से वो उतनी मुनासिब नहीं है जितनी होनी चाहिए। और फिर अल्टीमेटली आप देखते हैं कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर ऐसी एलिगेशंस भी लगती है, और उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं
कि वो अफोर्ड करना, लेकिन यूजुअली मैंने देखा है कि कुछ पॉलिटिशियंस जो है उनको फिर मसाइल होते हैं, अगर उनकी बैकअप पे कोई अर्निंग नहीं है, उनकी फैमिली की सपोर्ट नहीं है तो उनको मसाइल होते हैं। दुनिया में कहाँ कहाँ विजिट किया है और कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी है? मैंने जी अमरीका गया हूँ, कैनेडा, यूरोप में मैं स्पेन, फ्रांस और चेक रिपब्लिक, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में मैंने सर्बिया भी देखा है। मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया है वो स्पेन आया, और उसमें जो इस्लामिक टच का जो कुर्दोवा सिटी है जिसको कुर्तबा भी हम कहते हैं, उसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया है। और फिर उससे भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो हरमैन शरीफैन में जो सुकून मुझे मिला वो दुनिया भर में कहीं पे मुझे नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से हरमैन शरीफैन को सबसे टॉप पे, और फिर उसके बाद जो कुर्दोवा सिटी है कुर्तबा, उसने बड़ा अट्रैक्ट किया। मैं गार्डन यूनियन काउंसिल नंबर 9 पहुंचे, टाउन मेंबर फकीर मोहम्मद और नाजम फजल मन्नान ने इस्तकबाल किया। इलाके में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। वारसाबाद यूनियन काउंसिल नंबर 1 में अपने चचा हाजी बशीर बंगश के घर पहुंचे। दोपहर के खाने में शर्माई फिश, काबुली पुलाव, वाइट चिकन कोरमा और बारबेक्यू से तवाजो की गई। शाम को घर वापस आए, वालिद हाजी खान मोहम्मद बंगश से मुलाकात की, पगड़ी पहनाई गई। जब से हम इस घर में आए, अल्लाह की मेहरबानी शुरू हो चुके हैं पे, अल्लाह की बहुत बड़ी करम है, और माशाल्लाह बचपन से काफ़ी जहीन और खुददार बच्चा है मेरा, जो कि हमारा बहुत ही ख्याल रखता है वालिदैन का, और साथ साथ में बस बचपन से इसको शौक था सियासत में आने का, तो हमने भी इसको मना नहीं करवाया और आ गए अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने। आपको अफसोस तो हुआ होगा जब इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ के और सियासत जो है वो अपनाने का फैसला किया? अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल पहले हम जो थे सेहत से भी बराबर थे, ऐसे कोई दुख की बात नहीं था, हमें खुशी थी, बच्चे का शौक था सियासत में आने का, तो हमने इसको मना नहीं किया, आ जाए बेशक आप शौक भी पूरा करें और खिदमत भी करें। कोई खामी भी है इसमें, कोई ऐसी गलती है जो आप समझाते हो यार ये ठीक नहीं है? मेरे ख्याल में तो हर वालिद की नज़र में बच्चों में से कोई बहुत कम खामी नजर आती है, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। हाँ। चाहे वो जितने भी बड़े हो जाए। ये एक सब मुझे कहते हैं कि तुम गुस्सा बहुत जल्दी होते हो, तो गुस्सा ना किया करो। हाँ, तो जज्बाती मैं ये कहूँगा। कमरान साहब को इस कम उम्र में अल्लाह ने 2-2 महकमों का कलमदान दिया, ये इनकी मेहनत, नेक नीति और हार्ड वर्क का सिरा है, और मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और हम लोग इनके साथ काम करते हैं, तो हमने देखा कि ही इज़ वेरी वेरी पोलाइट एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। इन्होंने कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि ये हमारे मिनिस्टर हैं और हम इनके साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने जब भी कोई टास्क दिया है तो बड़ा दोस्ताना माहौल में हमारे साथ ये काम करते हैं, और जिस काम दे के कहते हैं कि जस्ट डू इट, आप कर सकते हो। एक्चुअली इन्होंने जो हुकूमत की तर्जुमानी का स्टाइल चेंज किया है, आपने देखा होगा कि ये हमेशा से तनकीद बा इस्लाह की तरफ ज़्यादा इनका फोकस होता है, जो एक रवायती तर्जुमानी होती है उसकी तरफ ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल काम एंड कूल एंड रिलैक्स तरीके से। मैं इनसे कभी कभी पूछता भी हूँ तो ये कहते हैं कि नहीं, खान साहब का भी जो ये वीजन है कि आप तनकीद बा इस्लाह की तरफ जाएँ। बेटी हलीमा भी मिलने आई। पापा जो है वो कितने अच्छे हैं, क्या क्या उनकी खूबियां हैं और कितना वक्त देते हैं आपको? पापा बहुत अच्छे हैं और टाइम भी देते हैं और खाना भी ले आते हैं। अच्छा, खाने में क्या लाते हैं? हमारी फेवरेट चीजें होती हैं। आपकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं? नहीं, पढ़ाई के बारे में तो कभी नहीं पढ़ाई के बारे में बात नहीं करते।
अच्छा गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो आपको गाना भी गा सकते हैं। बुलाए बुलाए बताएं पापा कितने अच्छे हैं। पापा अच्छे। अच्छा तो आपको कौन कौन सी गेम्स खिलाते हैं, क्या क्या आपसे बातें करते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट। मैं आपके लिए क्या लाता हूँ वो भी बताओ कि खाने में क्या लाता हूँ। पिज्जा, चावल। और तकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया, मकामी डिश पेंडे और बिरयानी से तवाज़ु की गई। आप तो खैर पार्टी के कारकुन से वजीर के ओहदे तक पहुंचे, लेकिन तासुर यह है कि मौसमी परिंदे और दौलत वाले छा गए और कारकुन बेचारे पीछे रह गए। ये तासुर मेरे ख्याल से गलत है, इसलिए कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को देख लें या काबीना को देख लें तो आपको मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, यानी ओवरऑल मेजॉरिटी आपको मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों की नज़र आएगी। यूजुअली ये तसव्वुर जो है वो दीगर पार्टियों में है, दीगर जमातों में ये देखने में आया कि जागीरदार और खान और खवानीन। हमारी जमात में ये, मैं इसलिए वसूख से कह रहा हूँ कि उसकी एक जिंदा मिसाल आपके सामने मैं बैठा हूँ, ना कोई लॉबिंग काम आती है, ना आपका पैसा काम आता है, आपकी सिर्फ और सिर्फ जो नज़रिया है, नज़रिए के साथ आपकी वाबस्तगी है, वही नज़र आती है और वही आपके आगे जाने के लिए है। हमने देखा है कि कोई भी अगर थोड़ी बहुत भी इनहराफ कर लेता है पार्टी के नज़रिए से या खान साहब के विजन से, तो एक तो पार्टी के अंदर एक सज़ा और जजा का निज़ाम है, एक अल्लाह ताला की तरफ से भी है कि अगर एक कायद इतना पुरखलूस इस मुल्क के लिए या लोगों के लिए काम कर रहा है, अगर कोई उसके साथ इस तरह की चीज़ कर लेता है, तो फिर इलेक्शन साल में आपने देख लिया कि 20 हमारे MPAs जो है वो पार्टी से फारिग हो गए। हमें बहुत बड़ा, हमें लग रहा था कि ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को वही चीज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे अच्छी लगी और हमें 2/3 अक्सरियत दी अवाम ने। खैबर पख्तूनख्वा में तो PTI की हुकूमत पिछले 8 साल से है, क्या वाकई यहाँ आवाम की तकदीर बदल गई? सच सच बताएं। देखें, अगर हम ओवरऑल होलिस्टिकली देख लें तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि पैराडाइम शिफ्ट आया 2013 के बाद। 2013 से पहले गवर्नेंस को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पैरामीटर होता था, वो करप्शन, वो एक नेपोटिज्म, एक सिफारिश का कल्चर था। उससे पहले जो है वो यहाँ पे एक बहुत अजीब अजीब किस्म की टर्मिनोलॉजीज यूज होती थी, जैसे इजी लोड कल्चर था, जैसे एक बदमाशों का एक सिस्टम बना हुआ था। MPA MNA को कोई आम आदमी एक्सेस भी नहीं कर सकता था। 2013 के बाद जो ये पैराडाइम शिफ्ट आई है, मैं ये कह सकता हूँ कि 100% तो नहीं, लेकिन इतनी बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि वो आवाम को अभी महसूस होती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप आवाम से कहेंगे तो शायद कुछ एक सेगमेंट तो नाराज भी हो, लेकिन अगर आप नाराज लोगों से भी पूछेंगे कि उन्होंने अगला वोट किसको देना है, तो वो भी आपको कहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हमने जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, हमने जो MPAs MNAs तक एक्सेस है आवाम की, हमने पब्लिक में एक्सेस को हमने बड़ा आसान कर दिया। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में कम अज कम जो मुंतखब MPAs MNAs थे उनको अवाम की तरफ से या जो जो महरूम तबकात हैं उनकी तरफ से इतना एक्सेस नहीं था। अभी हमारे हजरों में हमें लोग जो है मुंह पे ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं और हम सुनते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं लोगों ने इलेक्ट किया और हमें दोबारा इन लोगों के पास जाना है। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली है लोगों की जिंदगियों में भी, आप देख लें। एक अगर मैं आपको सेहत कार्ड की बात बताऊं कि हर शख्स के पास यहाँ पे 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पड़ी हुई है जेब में, कोई भी बीमारी आती है, कोई भी उनको इशू आता है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इवन फ्री इलाज करते हैं। तो ये तब्दीली है। इस तरह के बहुत बड़े इनिशिएटिव्स उलमाए कराम से लेकर आर्टिस्ट तक, हमारे मसाजिद से लेकर हमारे जो कल्चरल इवेंट्स हैं, सारी चीज़ें जो है खैबर पख्तूनख्वा में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट आ चुकी है। अवाम जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। मैं अगर आपको रिसेंट रिपोर्ट्स बताऊं तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 55% पे है और हमारी जो दूसरी जमात है ANP वो 8% मकबूलियत के साथ है और 25% लोग इनडिसाइसिव हैं।
तो वो भी यकीनन इलेक्शन में वो 25% भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि वो अक्सर फिर वेव के साथ और हवा के साथ लोग जो है, तो सारी जमातें मिलकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को अभी भी टच नहीं कर सकती। सर आपके ज़राए आमदन क्या है, वजारत की तनख्वाह के अलावा बाकी आमदनी कहाँ से आती है? हमारे खानदान की बिजनेस है आटे की और गंदम की, बल्कि मेरे जो वालिद साहब के दादा हैं वो भी यही बिजनेस करते थे। एक ज़माने में हम अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करते थे आटे को, हमारा बहुत वाइड सर्कल था। अभी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट चूंकि बंद है तो हमारी इधर अपनी आटे की मिले हैं, हमारी जो फैमिली बिजनेस है हमारे आटे की आउटलेट्स हैं, शॉप्स हैं, कुछ हमारे ख़ानदान की पंजाब में फ्लोर मिल्स हैं, कुछ पख्तूनख्वा में है। हमारी ही फैमिली को इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा फ्लोर मिल एसोसिएशन की सदारत भी, चेयरमैनशिप भी इलेक्ट हुए हैं, वो भी मेरे ख़ानदान से है। तो हमारा बुनियादी तौर पर जो है वो सारा रोज़गार जो है वो ग्रेन्स का है, फूड ग्रेन्स का है, आटा और दालें चावल इनका बिजनेस है। तो हम सीज़न को देखते हैं उसी हिसाब से फिर अपना बिजनेस करते हैं। क्या खुद भी कभी बिजनेस किया है? मैंने कभी बिजनेस नहीं की, गलती से भी नहीं की मैंने। मैं पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स जो कॉलेज लाइफ थी उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया स्टूडेंट फेडरेशन के बाद, और कभी बिजनेस नहीं की। लेकिन डिपेंडेंसी मेरी वालिद के ऊपर है और भाइयों के ऊपर है, वो बिजनेस करते हैं। कजन्स हमारी फैमिली में माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है, अच्छा बिजनेस हो रहा है हमारा। आप खुद कितने मजहबी हैं? मजहबी शायद 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रूहानियत के साथ तसव्वुफ के साथ मेरा गहरा लगाव है। मेरे एक पीर भी हैं, उनके हाजिरी लगाता हूँ मैं, उनसे रूहानियत के ऊपर इल्म भी हासिल करता हूँ, थोड़ा बहुत किताबें मैं पढ़ता हूँ, इस्लामिक बुक्स भी मैं पढ़ता हूँ और दीगर भी। तो कोशिश करता हूँ कि 5 वक्त नमाज पढ़ूँ, लेकिन 5 वक्त नहीं तो 4 वक्त ज़रूर अल्लाह ताला तौफीक दे देता है। तो ज़्यादा दीनी नहीं हूँ लेकिन रूहानियत की तरफ बहुत रुझान है मेरा। आपको फिल्मों से दिलचस्पी है, कौन कौन से अदाकार पसंद है और क्यों? फिल्मों से मेरी काफ़ी दिलचस्पी है, बच्चों के साथ अक्सर मूवीज़ देखता होता हूँ, कार्टून्स भी देखता हूँ इनके साथ। पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स में हुमायूं सईद बहुत पसंद है। किसी ज़माने में सैयद नूर साहब की मूवीज़ जो है वो देखते होते थे, और पसंद इसलिए है कि बड़ा नेचुरल एक्टिंग करते हैं वो, इसी वजह से पाकिस्तानी मूवीज, फिर इंग्लिश मूवीज भी देखने का वो है, कभी कभी इंग्लिश मूवीज भी देखते हैं। एक्ट्रेसेस का भी बताएं। एक्ट्रेसेस में मायरा खान और कुबरा खान, ये क्यों दोनों पसंद है? ये दोनों बस कुदरती तौर पर बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बल्कि इस हवाले से एक हम अक्सर जो कैबिनेट दोस्त हैं वो भी आपस में बातें करते हैं। तो एक दफ़ा शौकत साहब, जो शौकत यूसुफ़ज़ई है हमारे मिनिस्टर लेबर, उन्होंने किसी शो में कहा था कि उन्हें भी मायरा खान बहुत पसंद है, तो मैंने उनको फिर फोन की कि शौकत साहब इस बात के ऊपर मेरी और आपकी लड़ाई हो जानी है।